बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में माओवादी कमांडर ने सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण किया है। बीजापुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुदीप सरकार ने इसकी जानकारी मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादी बेचापाल और आरपीसी मिलिशिया सेक्शन ए का कमांडर था। उन्होंने बताया कि 2017 से माओवादी संगठन के लिए कार्यरत शमील तेलम उर्फ मिथुन ने संगठन में भेदभाव से परेशान होकर राज्य सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे माओवादी उन्मूलन अभियान के तहत एवं छत्तीसगढ़ शासन की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर ग्राम बेचापाल के निवासी ग्राम बेचापाल गांडोकल पारा के निवासी समील तेलम उर्फ मिथुन ने, जो कि माओवादी संगठन में कार्यरत रहते हुए बेचापाल मिलिशिया के ए सेक्शन कमांडर के रूप में कार्य किया था, उसने नक्सलियों की खोखली विचारधारा उत्पीड़न प्रताड़ना से तंग आकर आज बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। एएसपी ने बताया कि आत्मसमर्पण के बाद पुनर्वास के लिए माओवादियों को तत्काल सहायता दी जाती है।